वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट लॉज एंड विच आर अप्लाइड ऑन ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो बेसिकली जैसे आपके रियल नंबर के ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और उन पर हम लॉ अप्लाई करते हैं। जो बेसिक लॉ आपके होते हैं जो ऑपरेशंस पे अप्लाई किए जाते हैं लाइक कॉमुटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और ऐसे ही आपके कुछ और लॉज डिफाइंड होते हैं। तो उन्हीं लॉ को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेट्स के ऑपरेशन पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन स्टडी करे थे सेट के, लाइक यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दीज आर द वेरियस ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो उन पर हम कौन कौन से लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लॉ यहाँ पर इन ऑपरेशन पे एप्लीकेबल होंगे, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका जो बेसिक लॉ होता है, बहुत ही बेसिक लॉ, दैट इज़ आइडेम्पोटेंट लॉ। सो आइडेम्पोटेंट लॉ बेसिकली डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है और उस सेट का अगर हम उसी से यूनियन फाइंड करते हैं, सो बेसिकली दैट विल बी सेम सेट। सो अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें एलिमेंट के फॉर्म में, सो दैट कैन बी रिटन एज दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स आपका ए से बिलोंग कर रहा है, अगर हम इसी के साथ इसका यूनियन लेंगे, इट मीन्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, और x बिलोंग्स टू a। सो वाट इट मीन्स, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, सो दैट कैन ऑल्सो भी रिटन एज इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये आपका यहाँ पर a से ही बिलोंग कर रहा है। सो इट मीन्स इफ x बिलोंग्स टू a, तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या आएगा, दिस विल बिकम a। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आपका कोई भी एक एलिमेंट है, अगर वो सेट a में है, अगर हम a का a के साथ ही यूनियन फाइंड कर रहे हैं, सो दैट विल बी सेम सेट ए। सिमिलरली हम यहाँ पर इसको इंटरसेक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, देन इट विल बी इक्वलेंट टू ए। सो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन है तो हमने यहाँ पर अप्लाई करा है एक्स। सो दैट कैन ऑल्सो भी रिटन एज, अगर हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी हम ब्रैकेट के फॉर्म में डिफाइन कर देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपका अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेट का उसी के साथ अगर हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, देन इट विल बी सेम सेट। सो इस तरीके से हम यहाँ पर आइडेम्पोटेंट लॉ को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी लॉ बेसिकली डिफाइन कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन फाइंड करते हैं तो आपका सेम सेट ही रहेगा। कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर सेट है, सेट ए, सो इन दैट केस अगर हम उसका एम्प्टी सेट के साथ यूनियन फाइंड करेंगे तो आपका वही सेट रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर आपका सेट अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। सिंपल कंडीशन, अगर यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर सेट का यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, देन इट विल बी सेम सेट। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी लॉ? बेसिकली यहाँ पर ये आइडेंटिटी लॉ ये डिफाइन करता है कि कोई भी सेट है एम्प्टी सेट का हम उसका यूनियन फाइंड करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करेगा, और अगर हम उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ फाइंड करेंगे, देन अगेन इट विल रिटेन इट्स आइडेंटिटी। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, दैट विल बी ए। सो बेसिकली आइडेंटिटी लॉ डिफाइंस द आइडेंटिटी, इट रिलेट्स द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमने प्रीवियस क्लास में, अर्लियर क्लास में हमने नंबर सिस्टम के लिए, रियल नंबर के लिए डिफाइन किया है। यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे सेट पर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ डिफाइन कर रहे हैं, सो फॉर डिफाइनिंग द कॉम्यूटेटिव लॉ वी शुड हैव टू सेट्स। हम यहाँ पर टू सेट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, सेट ए एंड सेट बी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज दैट आपका यहाँ पर हमने टू सेट्स डिफाइन कर लिए हैं, तो अगर हम यहाँ पर यूनियन डिफाइन करते हैं, सो ए यूनियन बी, दैट विल बी बी यूनियन ए, इट इज़ इक्वलेंट टू बी यूनियन ए। इट मीन्स यहाँ पर कॉम्यूटेटिव होता है अगर हम ए का बी के साथ यूनियन फाइंड कर रहे हैं या फिर हम बी का ए के साथ यूनियन फाइंड करते हैं, दैट विल बी सेम। सो बेसिकली दिस कॉम्यूटेटिव लॉ यू कैन से दिस इज डिफाइंड फॉर यूनियन, दैट इज फॉर यूनियन, ये आपका यूनियन के लिए डिफाइंड हो गया। एंड ये आपका सेकेंड वन है, दैट इज़ फॉर इंटरसेक्शन। नाउ अगर हम इनके प्रूफ की बात करेंगे तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन प्रूव? सो फॉर डिफाइनिंग द प्रूफ कैसे करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट वन का हम प्रूफ करेंगे। सो
फॉर फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, लेट वी हैव टेकन एक्स, सो लेट एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि एक्स आपका कोई एक एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस थिंग, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सो ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, नाउ दिस कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, एक्स ए से बिलोंग करता है या फिर एक्स बी से बिलोंग करता है। तो हम इसको ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स बी से बिलोंग करता है या फिर एक्स ए से बिलोंग करता है, सेम मीनिंग। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। इट मीन्स व्हाट वी हैव डिफाइंड, यहाँ पर एक्स आपका एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करता है और एक्स यहाँ पर बी यूनियन ए से भी बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि ए यूनियन बी आपका यहाँ पर बी यूनियन ए के इक्वल हो गया, यहाँ पर हम एलिमेंट के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। सो इस जितना भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया इससे केवल हम इतना डिफाइन कर सकते हैं दैट यहाँ पर ये जो आपका ए यूनियन बी है, दिस ए यूनियन बी दैट इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अभी हमने यहाँ पर इसको कम्प्लीटली डिफाइन नहीं करा है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सो नॉर्मली हमें क्या लगता है कि अगर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए, यहाँ पर ये इक्वल नहीं होंगे। इन दैट सेट, इन द केस ऑफ सेट, हम यहाँ पर केवल इतना डिफाइन कर पाए कि ए यूनियन बी यहाँ पर बी यूनियन ए का सबसेट हो गया, बिकॉज हम यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्रेरीली एक रैंडम एलिमेंट ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक और रैंडम एलिमेंट ले लेंगे और अब हम ये डिफाइन करेंगे कि वो रैंडम एलिमेंट अब आपका वो बी यूनियन ए में है। सो अगेन वी विल टेक लेट वाई इज एनी एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। सो व्हाट वी हैव टेकन हियर, हमने यहाँ पर अब ले लिया है कि जो आपका वाई है दैट इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर, सो दैट कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। वी कैन डिफाइन इट बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट बाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए। सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी। नाउ दिस कैन बी डिफाइंड एज बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। सो व्हाट इट मीन्स, यहाँ पर बाई आपका बी यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है और बाई आपका ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहा है, हैंस इट कैन बी रिटन एज दैट बी यूनियन ए दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो वट इज द कंडीशन हेयर, कंडीशन इज दैट ए यूनियन बी इट इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए एंड अगेन वी आर डिफाइनिंग दैट बी यूनियन ए इट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इट मीन्स ए बी का आपका यहाँ पर सबसेट है, बी ए का सबसेट है, हैंस दे आर इक्वल। ये कंडीशन कब होता है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ओनली व्हेन दे आर इक्वल। सो हियर वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी कैन से दैट ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सो इस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रूफ को, इस लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। नाउ सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन सेकेंड कॉमोटेटिव लॉ
फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए भी हम यहाँ पर सेम ऐसे ही रिपीट करते चले जाएंगे, बस यूनियन के प्लेस पर आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक प्रूफ ऑफ कॉमुटेटिव लॉ। सो दिस इज़ एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ऑल द ऑपरेशंस फॉर सेट्स। कौन सा ऑपरेशन? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो दैट वन इज अनदर लॉ, दैट इज एसोसिएटिव लॉ विच इज़ अप्लाइड ऑन यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन। सो अगर हम एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हैं, सो फर्स्ट थिंग इज दैट एसोसिएटिव लॉ इज डिफाइंड फॉर द मिनिमम थ्री सेट्स। यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट थ्री सेट्स होने चाहिए, ए बी एंड सी। सो अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं, हम इसको रियल नंबर्स के लिए प्रीवियस क्लासेस में यूज़ करते थे, यहाँ पर अगर हम इसको सेट के लिए डिफाइन करेंगे, सो दैट इज़ डिफाइंड एज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स फर्स्ट में हमने यहाँ पर पहले ए को बी के साथ यूनियन लिया है, फिर उसके बाद हमने उसका सी के साथ यूनियन लिया है। इन राइट हैंड साइड फर्स्ट वी आर टेकिंग यूनियन ऑफ बी विथ सी, देन वी आर टेकिंग द यूनियन ऑफ बी यूनियन सी विथ ए। सो दिस इज डिफाइंड फॉर यूनियन। सिमिलरली दैट कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, सो इट कैन बी डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्टेड विद सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम यहाँ पर इसका एसोसिएशन है वो चेंज कर रहे हैं। इसमें देखिए, हमने पहले ए को बी के साथ इंटरसेक्शन लिया, फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लिया है, बट राइट हैंड साइड में पहले हमने बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, देन वी कम्बाइंड ए, वी इंटरसेक्टेड ए विद बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज़ फॉर द इंटरसेक्शन। तो इसका भी अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, सो इजीली हम इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वन का प्रूफ देखें फॉर यूनियन, सो दैट कैन बी रिटन एज लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्स यहाँ पर कोई एलिमेंट है जो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग करता है। सो हेयर वी कैन राइट इट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। व्हाट इम्प्लाइज दिस? ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यूनियन को हम किससे रिप्लेस करते हैं? और एक्स बिलोंग्स टू सी। नाउ हम यहाँ पर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आपका यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू सी। सो अब हम यहाँ पर इसका एसोसिएशन चेंज कर देंगे, इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसका एसोसिएशन चेंज कर दिया है। नाउ अभी आपका यहाँ पर बी और सी के साथ एसोसिएट होगा, सो दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसको अगर हम यहाँ पर यूनियन के फॉर्म में लिख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। नाउ इसको अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे, सो दैट कैन ऑल्सो भी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो अब देखिए, यहाँ पर यूनियन आपका एसोसिएशन चेंज हो गया, यहाँ पर पहले ए यूनियन बी था, अब यहाँ पर बी यूनियन सी है। सो व्हाट इट मीन्स, हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, हैंज ए यूनियन बी यूनियन सी दैट विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगेन फिर वही कंडीशन, अभी आपका ये कम्प्लीटली प्रूफ नहीं हुआ है, अभी हमने केवल ये डिफाइन करा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सेकेंडली हम यहाँ पर एक और आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, सो हियर वी कैन डिफाइन लेट बाई बी एनी एलिमेंट ऑफ। अब हम यहाँ पर एलिमेंट ले लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी से। सो इट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हाउ वी कैन राइट दिस वन? दिस इम्प्लाइज दैट बाई बिलोंग्स टू ए, भाई आपका ए से बिलोंग करता है, और बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ओके,
नाउ अगर हम इसको यहाँ पर सेपरेट करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए, और दिस कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू बी, और बाई बिलोंग्स टू सी. नाउ यहाँ पर इसका हम एसोसिएशन चेंज करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी. अब हम यहाँ पर इसका एसोसिएशन ले लेंगे ए के बी के साथ, और बाई बिलोंग्स टू सी. सो दैट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बिकॉज यहाँ पर बाई ए से बिलोंग कर रहा है, बाई बी से ही बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स बाई आपका ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, और बाई बिलोंग्स टू सी. सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन आएगा, दैट कैन बी रिटन एज दैट ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी. सो दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इक्वेशन फर्स्ट में हमने डिफाइन करा है दैट ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. सेकेंडली यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. इट मीन्स अगर आपका ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, हैंस ए इज इक्वल टू बी. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हेयर वी कैन डिफाइन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं दैट ए यूनियन बी यूनियन सी दैट विल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. क्लियर, तो यही हमने यहाँ पर डिफाइन करा था. सो दिस इज़ द प्रूफ. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इसको इंटरसेक्शन के लिए डिफाइन कोशिश करेंगे, तो इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, आपका और एंड से शिफ्ट हो जाएगा, और इसके लिए भी हम इसको प्रूफ कर लेंगे. सो दिस वन इज़ द एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन. सो नेक्स्ट वन लॉ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज अप्लाइड अगेन यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन. सो जब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास टू ऑपरेशन एक साथ यूज़ होंगे. अभी तक हम जो भी लॉ अप्लाई कर रहे थे लाइक कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव लॉ, तो एक ही ऑपरेशन पर अप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पर टू ऑपरेशन एक साथ यूज़ होंगे क्योंकि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो हेयर देखिए, यहाँ पर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे, सो हेयर फर्स्ट लॉ इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनियन को हम यहाँ पर इंटरसेक्शन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर यूनियन. सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो हम यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. मीन्स हमने यहाँ पर जो बी इंटरसेक्शन सी है इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. सो सेकेंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. मीन्स यहाँ पर आपका ये जो बी यूनियन सी है दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. सो यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दैट इज इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. फर्स्ट वन में आपका क्या हो रहा था, यहाँ पर यूनियन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ओवर इंटरसेक्शन. सेकेंड केस में आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन. मीन्स इंटरसेक्शन को हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यूनियन के बेस पर, और फर्स्ट में हम यूनियन को डिवाइड कर रहे हैं ओवर इंटरसेक्शन. तो इसका हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. सो वी विल ट्राई टू प्रूफ दिस वन. सो फर्स्ट वन हम यहाँ पर देखेंगे. सो फर्स्ट वन यहाँ पर ये आपका फर्स्ट वन लॉ है, इसको डिफाइन करेंगे. सो लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी एनी एलिमेंट. सो एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. सो हाउ इट कैन बी डिफाइंड है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आपका यहाँ पर किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. नाउ अब हम यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए. सो हेयर हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए
और यहाँ पर ये यूनियन है, सो यूनियन की जगह हम क्या क्या लिख देंगे यहाँ पर, और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ओके नाउ दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के प्लेस पर क्या आता है एंड, सो एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। नाउ अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, हमने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। सो दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू, एंड आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक्स को प्रूफ स्टार्टिंग में लिया था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो हियर व्हाट वी कैन से दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम यहाँ पर एक और आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, लेट वी आर डिफाइनिंग फॉर एनी एलिमेंट वाई, सो लेट वाई बी एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू किससे, यह आपका यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए लेट बाई बिलोंग्स टू, सो बाई इज एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड के लिए एलिमेंट कंसिडर किया है, सो हेयर वी कैन राइट दैट बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नाउ इसको हम यहाँ पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वी कैन से दैट बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन के प्लेस पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एंड, एंड बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। सो अब हम यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर इस यूनियन को भी हम डिफाइन करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी एंड व्हाट वी कैन राइट हेयर वाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू सी। सो दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज, अब हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, बाई यहाँ पर ए में है बी में है एंड बाई ए में है सी में है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू ए दोनों साइड आ रहा है, सो दैट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए दैट विल बी बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू सी, तो हमने यहाँ पर बाई बिलोंग्स टू ए इसको हमने यहाँ पर बाहर लिख लिया बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू सी, सो दैट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, बाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी।
अब हम यहाँ पर इस और को भी रिप्लेस कर देंगे। सो जब हम यहाँ पर इस और को रिमूव करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो व्हाट इट मीन्स, यहाँ पर हमने क्या डिफाइन कर लिया, अगर हम यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, यहाँ पर कंक्लूड करा, सो दिस कैन बी रिटन एज दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो अगर हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को देखेंगे ध्यान से, सो व्हाट वी आर डिफाइनिंग, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए हमने यहाँ पर प्रूव कराया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, और सेकेंड इक्वेशन में हमने डिफाइन करा है इसी का रिवर्स दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो अगेन वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन से दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। सो दैट वाज द प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पर सेकेंड वन भी प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रूफ। बेसिकली यहाँ पर प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यू शुड लर्न दीज लॉ, आपको ये लॉ आने चाहिए क्योंकि हम इनको प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट लॉ इज डी मॉर्गन्स लॉ। बेसिकली दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉब्लम्स, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और फर्दर चैप्टर्स में भी हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे। सो डी मॉर्गन्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड एज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, पहले हमने ए और बी का यूनियन लिया देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करा, सो दैट विल बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया बी का कॉम्प्लीमेंट फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करा। तो इसको हम ऐसे भी स्टेटमेंट फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट दैट विल बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहे हैं हम इसको, फर्स्ट लॉ। इसका अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, पहले तो हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट लॉ हेयर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं तो स्टेटमेंट फॉर्म क्या बोल रहा है यहाँ पर, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इक्वल टू ये किसके इक्वल है आपका, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। सो अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, इसको स्टडी करें प्रॉपरली, हेयर व्हाट वी आर डिफाइनिंग दैट फर्स्ट हेयर वी आर डिफाइनिंग कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने यहाँ पर दोनों साइड्स का यूनियन फाइंड करा फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, फर्स्ट यूनियन देन कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड वन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर इंटरसेक्शन। यहाँ पर फर्स्ट में हम पहले यूनियन फिर कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड वन में पहले कॉम्प्लीमेंट फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन। सो दिस वन इज द चेंज। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसका अभी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे देखिए, वी विल ट्राई टू प्रूफ इट। सो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे इसको हम प्रूफ। सो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि लेट एक्स कोई आपका एलिमेंट है, सो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका एलिमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हेयर हाउ वी कैन राइट इट, हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपका यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा,
कि एक्स आपका अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, दैट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यही तो मीनिंग होता है कि अगर आपका एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर एक्स ए यूनियन बी में नहीं होगा। इट मीन्स हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपका एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इट मीन्स एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। बेसिकली जब हम यहाँ पर सिंपल यूनियन फाइंड करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप एक्स आपका अगर ए में है या बी में है तो फिर उसके यूनियन में होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मीन्स अगर आपका एक्स ए यूनियन बी दोनों सेट के यूनियन में नहीं है, इट मीन्स ना तो वो ए में है ना फिर बी में है, तो फिर यहाँ पर हम एंड का यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो हेयर व्हाट वी कैन से, अब यहाँ पर देखिए एक्स आपका ए में नहीं है, इट मीन्स एक्स कहाँ पर है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पर एक्स अगर बी में नहीं है तो फिर एक्स कहाँ पर है, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। सो हेयर वी कैन डिफाइन इट दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और एंड को हम किससे हटाएंगे यहाँ पर, इंटरसेक्शन से। सो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हेयर व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो आपका ए यूनियन बी है, हैंस वी कैन से दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर दिया है, लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर वन। अगेन अब हम यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेंगे, वाई एलिमेंट, उसके लिए डिफाइन कर देंगे। सो लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, अब हम यहाँ पर ले लेंगे इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हेयर वी कैन राइट दैट बाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई आपका ए कॉम्प्लीमेंट में है एंड बाई बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर बाई आपका यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में है, इट मीन्स बाई ए में नहीं है, बाई डजेंट बिलोंग्स टू ए, एंड वाई डजेंट बिलोंग्स टू बी क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में है। तो अब यहाँ पर देखिए बाई ए में भी नहीं है और बाई बी में भी नहीं है, बाई ए में नहीं है एंड एंड मीन्स बाई बी में भी नहीं है, इट मीन्स बाई डजेंट बिलोंग्स टू किस में नहीं है आपका, ये इनके यूनियन में नहीं है, डजेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और अगर बाई ए इनके यूनियन में नहीं है तो फिर कहाँ पर है, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके सो फ्रॉम दिस कंडीशन हेयर वी कैन से दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लॉ के लिए डिफाइन किया है, सो हेयर वी कैन से यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हेयर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन से दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया है। सो दीज आर द प्रूफ्स ऑफ दीज लॉज। सो स्टूडेंट्स दीज आर सम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट लॉज और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज होते हैं, जो सेट के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं उनमें यूटिलाइज होते हैं। तो इसमें आपका बेसिक फॉर्मूला होता है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स के फॉर्म में बात करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट गिवन है और सेट बी के एलिमेंट गिवन है तो कैसे हम उनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं या फिर हम उनके यूनियन के एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें आपका होता है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर
इसके वेन डायग्राम के फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करें। सो लेट हेयर वी हैव टेकन, एक हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ले लिया लाइक दिस वन, क्योंकि आपका यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वेन डायग्राम में उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट दिस वन इज यूनिवर्सल सेट, और ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है आपका सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। ओके दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। तो अगर हम यहाँ पर इसमें डिफाइन करें, सो अगर हमें यहाँ पर डिफाइन करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में अगर हम यहाँ पर इसमें ये आपका हो गया यहाँ पर कम्प्लीटली ए, दिस वन इज ए, और अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें बी को, सो दिस वन इज बी, दिस वन इज बी। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इनका यूनियन फाइंड करते हैं, तो यूनियन फाइंड मीन्स आपका ये सारा वैल्यूज आ जाए, तो अगर हम यहाँ पर ए को और बी को ऐड करते हैं, तो इसमें आपका ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन दैट इज ये आपका टू टाइम्स आ जाता है, तो इसको हमें वन टाइम्स यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पर ए लिया और बी लिया दोनों को ऐड करा, ये वाला पार्ट आपका टू टाइम्स आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर यूनियन फाइंड करेंगे दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इस पार्ट को हमने वन टाइम रिमूव कर दिया क्योंकि ये ए में पहले ही आ चुका है, तो अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो बी से हमें इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने बताया था दैट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, तो यूनियन के केस में जो आपके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको हम हटा देंगे। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पोर्शन है, ये पोर्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपका कंप्लीट ए सेट है, अगर हमें यहाँ पर ए माइनस बी फाइंड करना है मीन्स केवल वो एलिमेंट जो ए में एग्जिस्ट करते हैं, वट इज़ द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी की वो एलिमेंट जो केवल यहाँ पर ए में एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका रेड पोर्सन है ये आपका यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रेड पोर्सन यू हैव रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर कंप्लीट सेट ए से इसका इंटरसेक्शन रिमूव कर देंगे देन वी विल गेट ए माइनस बी, सो हियर इट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। नेक्स्ट वन फॉर्मूला इसी तरीके से, हम अगर यहाँ पर बी माइनस ए, तो यहाँ पर देखिए आपका जो बी माइनस ए पार्ट है उसको हमने ग्रीन कलर से शो करा है, तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए फाइंड करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी, मीन्स बी से अगर हम इस इंटरसेक्शन पार्ट को रिमूव कर दें तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए, क्लियर। सो अगर हम यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूला को कम्बाइंड कर दें, क्लियर, अगर हम यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से अगर यूनियन फाइंड करने की कोशिश करें, तो बेसिकली यहाँ पर यूनियन क्या हो जाएगा, अगर हम ए माइनस बी बी माइनस ए को ऐड कर दें और उससे अगर हम इंटरसेक्शन इसका रिमूव कर दें, तो फिर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यूनियन। तो देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाता है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, मीन्स ग्रीन रेड पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए ग्रीन पार्ट, और जो ब्लैक पोर्शन है दैट इज इंटरसेक्शन। तो अगर हम इन तीनों पोर्शन को रेड ग्रीन और ब्लैक इन तीनों पोर्शन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का यूनियन। सो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी दैट इज योर रेड पोर्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए ग्रीन पोर्शन एंड दैट इज ब्लैक पोर्शन, इन तीनों को ऐड करा तो हमें यूनियन मिल गया, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है अगर हम यहाँ पर थ्री साइड्स का यूनियन फाइंड करते हैं, सो थ्री साइड्स के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज दैट हमने यहाँ पर एक और सेट ले लिया है एंड दैट इज सी, ये आपका एक और सेट है यहाँ पर, सो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर लेट, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन इफ दिस वन इज सी, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन सी एंड दैट पोर्शन विल बी बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। सो व्हाट वी विल डू, अगर हम यहाँ पर इन तीनों को लेट, इसको हमने यहाँ पर ग्रीन स्ट्रिप से शो कर दिया है, सो अगर हम यहाँ पर इन तीनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो तीनों को हमने यहाँ पर वन टाइम ऐड कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, देन इसके बाद इन सबके इंटरसेक्शन को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे क्योंकि हम इस पोर्शन को वन टाइम ही तो लेंगे जो आपका यहाँ पर ओवरलैप एरिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ए और सी के लिए फाइंड करेंगे तो ए और सी में आपका यहाँ पर ये वाला पोर्शन ओवरलैप है, इसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया ए इंटरसेक्शन सी को। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बी और सी की, तो बी और सी में आपका ये कॉमन पोर्शन है आपका, इसको हमने रिमूव कर दिया यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी से,
और अगर हम यहाँ पर इस पोर्शन को रिमूव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। बट हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये पोर्शन आपका वन टाइम्स एडिशनल रिमूव हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ए में इस पोर्शन को कंसिडर करा था तो बी से एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इन दोनों का पोर्शन कंसिडर करा, बी और सी का इंटरसेक्शन, ये आपका फिर से रिमूव हो गया। तो इसको फिर हम यहाँ पर वन टाइम ऐड कर देंगे, किसको, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है, दिस वन पोर्शन। सो दिस वन इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले हम यहाँ पर याद रखेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बर्ड प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, इन पर बेस्ड अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्या गिवन है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इन अ ग्रुप ऑफ 850 पर्संस, 600 कैन स्पीक हिंदी एंड 340 कैन स्पीक तमिल। टोटल हमारे पास जो ग्रुप है वो 850 पर्संस का है, 600 इसमें हिंदी बोलते हैं और 340 आपके यहाँ पर तमिल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, थर्ड वन इज़ हाउ मैनी कैन स्पीक तमिल ओनली। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर इसका वेन डायग्राम शो करने की कोशिश करें, इसको वेन डायग्राम से अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया, दिस इज़ यूनिवर्सल सेट, ये आपका यहाँ पर हो गया सेट ए और ये हो गया आपका यहाँ पर सेट बी। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट सेट है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो पर्सन हिंदी बोलते हैं, दैट इज़ सेकेंड सेट जो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन तमिल बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास जो टोटल ग्रुप है दैट इज़ 850 पर्सन्स का, मीन्स ये वैल्यू यहाँ पर 850 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी एज वेल एज तमिल, मीन्स इसका यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी एज वेल एज तमिल, दोनों भाषाएं बोलते हैं, ये आपके यहाँ पर कितने के बने, दीज आर 850 पर्सन। ओके, आपका यहाँ पर यूनियन हो गया। सेकेंड कंडीशन, 600 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी यहाँ पर कितने पर्सन बोलते हैं, दीज आर 600। सो नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी दैट विल बी 600। सो ये आपके यहाँ पर 600 हो गए हैं। नाउ नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग तमिल, ये आपके यहाँ पर कितने गिवन है आपको, दीज आर 340। सो दीज आर 340। व्हाट वी कैन फाइंड, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखिए, वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, दोनों बोल सकते, मीन्स आपका यहाँ पर जो ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट हमें फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पार्ट। तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला डिफाइन करा था कि अगर हम यहाँ पर दोनों सेट को ऐड करते हैं, क्लियर, और उससे हम यूनियन को सबट्रैक्ट कर दें तो हमें ये कॉमन पोर्शन मिल जाएगा। हमने अभी फॉर्मूला क्या डिफाइन करा था, इन द फॉर्म ऑफ यूनियन, नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी एज वेल एज तमिल यूनियन, दैट इज गिवन एज नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग तमिल माइनस जो इनका कॉमन पोर्शन है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी एज वेल एज तमिल, दोनों भाषाएं बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। सो अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी एज वेल एज तमिल, मीन्स हिंदी और तमिल का हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो दैट कैन बी रिटन एज, इसको हम यहाँ पर अपोजिट साइड ले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो दैट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग तमिल माइनस इनका यूनियन, हिंदी यूनियन तमिल। सो अब हम इनका यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, सो हिंदी कितने पर्सन बोलते हैं, दैट इज 600, और तमिल कितने पर्सन बोलते हैं, दैट इज 340, और इनका यूनियन आपको कितना गिवन है, दैट इज़ 850। सो दिस वैल्यू कम्स आउट, इसको हम ऐड करेंगे, दैट इज़ 940 माइनस ऑफ 850, सो दिस नंबर कम्स आउट 90। इट मीन्स 90% कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज तमिल, सो 90% कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या सिचुएशन है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, कितने पर्सन केवल हिंदी बोल सकते हैं। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन, तो एच माइनस टी फाइंड करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग हिंदी, जो हिंदी बोलते हैं,
और इसमें से जो आपके तमिल भी बोलते हैं उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, इनका इंटरसेक्शन। सो नंबर ऑफ पर्सन हिंदी इंटरसेक्शन तमिल, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम। सो दैट कैन बी रिटन एज हिंदी कितने पर्सन बोलते हैं 600, और इसमें से इनका हम इंटरसेक्शन रिमूव कर देंगे। सो 500 पर्सन, 510 पर्सन दे कैन स्पीक हिंदी ओनली। सो ये आपके हिंदी बोलने वाले पर्सन निकल आए। थर्ड पार्ट है हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक तमिल ओनली। सो तमिल ओनली मीन्स वी हैव टू फाइंड नाउ टी माइनस ऑफ एच, ये वाला पोर्शन, दिस वन पोर्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल 340 से हम यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन रिमूव कर देंगे। सो दैट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग तमिल माइनस नंबर ऑफ पर्सन हु आर स्पीकिंग तमिल एज वेल एज हिंदी। हिंदी इनका जो इंटरसेक्शन है उसको हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। सो दैट कैन बी रिटन एज 350 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन इनका यहाँ पर कितना आया था 90। तो 350 से अगर हम 90 को सबट्रैक्ट करेंगे सो ये आपका कितना आएगा, दैट कम्स आउट 340। यहाँ पर आपको 340 पर्सन गिवन थे। सो यहाँ पर यह पर्सन थे आपके 340। सो 340 से अब हम यहाँ पर इसको सबट्रैक्ट करेंगे सो दिस कम्स आउट, 90 को हमने 340 से सबट्रैक्ट करा सो दिस कम्स आउट 250। तो यहाँ पर 250 पर्सन आपके ऐसे होंगे जो केवल यहाँ पर क्या बोलेंगे, तमिल ओनली। गेटिंग? सो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लिया। सो स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने इतने सारे लॉ डिस्कस करे और एक प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करा हमने, इसके कोर और जो आपके एडवांस प्रॉब्लम्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे।